तो इस टूल के माध्यम से आप सिंगल पेज वेबसाइट बनाकर ऐप प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों आज के मेथड को मैंने थ्री स्टेप्स में डिवाइड किया है स्टेप नंबर वन में हम एक ऐप प्रोडक्ट को चूज करेंगे स्टेप नंबर टू में हम अपने ऐप प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल पेज की वेबसाइट क्रिएट करेंगे और स्टेप नंबर थ्री में हम अपने ऐप प्रोडक्ट को फ्री की ट्रैफिक सोर्स के ऊपर प्रमोट करेंगे अब मैं आपको यहाँ पर सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ तो पहले हम यहाँ पर स्टेप नंबर वन की बात करने वाले हैं मीन्स हम एक प्रोडक्ट को चूज़ करने वाले हैं एंड दोस्तों ऐप प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर किसी भी एफ नटर का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एप्लिक बैंक हुआ जे हुआ वो रिप्लस हुआ अमेजोन डॉट कॉम हुआ तो आपको एक एफ नटर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रिशो ट्वेंटी का तो हमने जीशो ट्वेंटी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है और इसकी मार्केट प्लेस को ओपन कर लिया अब आपको एक एफल प्रोडक्ट को चूज़ करना है तो एफल प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं यहाँ से आप एक एफल प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको कैटेगरी वाइज एक एफल प्रोडक्ट को चूज़ करना है तो उस केस में आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट कैटेगरीज का तो आपको यहाँ पर आना है डिजिटल प्रोडक्ट्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसा आप इसको पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी अब आपको यहाँ पर एक कैटेगरी को चूज़ कर लेना है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लेना है जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं फ़ोटोग्राफी एंड फिल्म की नीच का तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे जैसा हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे अब आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लेना है जैसे कि यहाँ पर ये न्यू प्रोडक्ट है तो इसको हम यहाँ पर चूज़ करने वाले हैं तो प्रोडक्ट का नेम क्या है मोशन हीरो क्लब ये बेसिकली क्या है एक वीडियो कोर्स है जिसके अंदर आपको मोशन ग्राफिक्स के बारे में जानकारी दी जाती है और आपको पता ही होगा आज का समय यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम का सभी लोग यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर वर्क करना चाहते हैं अच्छे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और इसके माध्यम से अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हैं अगर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट करते हैं डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होगा क्योंकि इस टाइप के कोर्स का यहाँ पर काफ़ी बूम चल रहा है अगर हम इस कोर्स को प्रमोट करेंगे डेफिनेटली हम यहाँ से अपनी पहली सेल निकलवा पाएंगे अगर हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपको यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर पर सेल का ट्वेंटी नाइन डॉलर तक का कमीशन मिल जाता है मान लो मैं यहाँ पर दिन की दस सेल भी निकलवा लेता हूँ तीसरे ले मैं यहाँ पर पर डे के थ्री हंड्रेड डॉलर तक को अर्न कर सकता हूँ एंड दो जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर रिकमेंड करता हूँ जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो प्रमोट करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट के सेल्स पेज एंड एफर्ट स्पोर्ट पेज को ज़रूर चेक करना चाहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रोडक्ट किसके बारे में है और कैसे ही आपको उसको प्रमोट करना है एंड सेल्स पेज के अंदर आपको जानकारी मिल जाती है कि प्रोडक्ट क्या क्या ऑफ़र कर रहा है और किस टाइप का लैंडिंग पेज यहाँ पर बनाओ तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी स्ट्रैटी बना सकते हैं उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना कॉन्टेंट बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सेल्स पेज को चूज़ करना है उसी के बाद ही आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रैटी बनाना है और सपोर्ट पेज के अंदर आपको बहुत सारे रिसोर्स मिल जाते हैं जिनका यूज़ कर कर आप अपनी स्ट्रैटजी बना सकते हैं मिस आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं तो पहले आपको सेल्स पेज व सपोर्ट पेज को चेक करना है उसी के बाद ही आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है एंड प्रमोट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है प्रमोट नाउ हो इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके प्रोडक्ट का प्रोमो लिंक आ जाएगा तो आपको यहाँ पर आना है यहाँ से आपको अपने प्रोमो लिंक को कॉपी करना है नोट पैड के अंदर सेव कर देना है जिसको हम आगे प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर हमने स्टेप नंबर वन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर टू की तो स्टेप नंबर टू में हमें एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है इस हमें एक सिंगल पेज की वेबसाइट क्रिएट करना है तो सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस टूल का जिसका नाम क्या है सिक्सटी सेकेंड साइट सिक्सटी सेकेंड साइट बेसिकली एक ए आई वेबसाइट बिल्डर है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर सिक्सटी सेकेंड में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि इसने यहाँ पर बताया है सिक्सटी सेकेंड साइट बेसिकली एक ए आई वेबसाइट बिल्डर है जो आपकी वेबसाइट को सिक्सटी सेकेंड के अंडर में क्रिएट कर देता है इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर डेवलप करके शर्तनी पड़ती है अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप यहाँ पर अपने लिए एक परफेक्ट लैंडिंग पेज बना सकते हैं आपको यहाँ पर यूनिक फोटो कलर कलरवर्थ थीम मिलती है किसी डिजाइनर की आपको आवश्यकता नहीं होती है आप अपनी वेबसाइट को 60 सेकंड में क्रिएट कर सकते हैं सारी जानकारी इसने यहाँ पर बताती है और इस वेबसाइट को फोर्ब्स के ऊपर भी मेंशन किया गया है मिस काफ़ी अच्छी वेबसाइट है काफ़ी रैपिटेड वेबसाइट है अगर आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना लैंडिंग पेज या सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करेंगे डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प होने वाली है आपकी वेबसाइट के ऊपर डिसेंट ट्राफिक आने वाला है एंड यहाँ पर आपको स्टेप्स बताए गए हैं किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि इसने यहाँ पर बताया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आइडिया या बिजनेस आइडिया को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का थीम ब्रांड कलर व कंटेंट को चूज़ करना है और लास्ट में आपको अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर देना है और आपकी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेना है तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस टूल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का पर साइन इन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर डाटा दिखा देता हूँ कितने लोगों ने अभी तक यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट कर लिया है तो आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है तीन लाख से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर इस टूल के माध्यम से वेबसाइट को क्रिएट कर लिया तो हम भी यहाँ पर इस टूल के माध्यम से वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है साइन इन इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए न्यू फ्री अकाउंट का तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ पर अपना ई एड्रेस डाल देना है पासवर्ड डाल देना है अगेन आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब आपके पास एक ई आएगा जहाँ पर आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा तो आपको वहां पर अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एंड दोस्तों अगर आपकी गूगल के ऊपर आईडी है तो आप यहाँ पर सिंगल क्लिक में भी इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं तो सिंपली आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है जैसे आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा एंड जितनी भी वेबसाइट्स आपने यहाँ पर पब्लिश की होंगी सारी वेबसाइट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी अब आपको यहाँ पर किस तरीके से अपनी वेबसाइट क्रिएट करना है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है न्यू साइट इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क्राइब यूअर बिजनेस और आइडिया तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना बिजनेस आइडिया एक्सप्लेन कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट टू क्रिएट ए साइट फोर तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई वॉन्ट टू क्रिएट ए साइट फोर वीडियो एडिटिंग ठीक है तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ तो, basically तो मैं बेसिकली वीडियो एडिटिंग के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई वॉन्ट टू क्रिएट ए साइट फॉर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ठीक है तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है इसको लिख दिया उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है मैंने यहाँ पर बेसिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखा है मेरे प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पर क्या ऑफ़र उफ, करता है यहाँ पर वो ग्राफिक डिज़ाइंस को ऑफर करता है मीन्स आपको यहाँ पर मोशन ग्राफिक्स को ऑफर करता है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मोशन ग्राफिक टू एनन्हेंस देयर वीडियो ये बेसिकली मेरे प्रोडक्ट की यूज है तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है अब मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से इसके अंदर ले, ले लेता हूँ ताकि मेरा यहाँ पर ये समझ जाए कि प्रोडक्ट के अंदर ये खासियत है ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर मैंने अपना प्रोम टाइप कर दिया है प्रोम टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है क्रिएट लैंडिंग पेज इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसा आप इसको क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग यहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएगी और तो कुछ ही सेकंड्स में आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा मिस आपकी वेबसाइट यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है ना अब आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार का कर चेंज करना है लाइक आपको अपनी वेबसाइट के अंदर टैक्स चेंज करना है इमेज चेंज करना है कोल टू एक्शन ऐड करना है सबको मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा किस तरीके से आप यहाँ पर सभी प्रोसेस को कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके डिज़ाइन को चेंज करेंगे जैसे कि मान लो आपको इस वेबसाइट के कलर को चेंज करना है तो आपको यहाँ पर आना है यहाँ से आप इस वेबसाइट के कलर को चेंज कर सकते हैं जिस भी कलर में आपको अपनी वेबसाइट को रखना है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है और वेबसाइट का कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस प्रकार से चेंज हो जाएगा जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर इस कलर को रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसको चूज कर लिया है अगर आप साइट की थीम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चार थीम मिलती हैं जिसका यूज़ कर कर आप अपनी वेबसाइट की थीम को चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने अब क्लैरिटी इसको चूज कर लिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है ओके अगर आप इसको मिनिमल करना चाहते हो तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं तो वेबसाइट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चेंज हो जाएगी और आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी मर्जी के अनुसार कलर व थीम को चूज़ कर लेना है अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट को चेंज करना है जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट के नेम को चेंज करना है इन बटन्स के अंदर आपको अपने लिंक्स को ऐड करना है तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर आना है बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है अगर आपको अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड करना है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हैं अगर आपको इसके नेम को चेंज करना है तो आप यहाँ पर इसके नेम को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर इनके अंदर लिंक्स को ऐड करना है तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर होम पेज फीचर व एफ के लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने टॉप बार को चेंज कर सकते हैं अगर आपको अपनी वेबसाइट की मेन टाइटल को चेंज करना है तो उस केस में आपको यहाँ पर आना है हीरो स्कोप पर क्लिक करना है यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की हेडलाइन को चेंज कर सकते हैं सब हेडलाइन को चेंज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर वीडियोस, फ़ोटोज़ तो या कोड्स को ऐड करना है तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर अपना चेंजेस कर लेना है अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐप वट लिंक को ऐड करना है जैसे कि मान लो आप यहाँ पर अपना ई कैप्चर करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर कैप्चर ई इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन ऐड करना है तो उस केस में आपको यहाँ पर ना बटन इसके ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं गेट स्टार्टेड और यहाँ पर आपको अपना एफर्ट लिंक ऐड कर देना है जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर अपना एफर्ट लिंक ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर कॉपी करूँगा एंड अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा एंड सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है एफर्ट लिंक ऐड हो चुका है अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर फ़ीचर लिस्ट को चेंज करना है तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं जो भी फ़ीचर्स को आपको यहाँ पर एनहेंस करना है इसमें फीचर्स के अंदर आपको कॉन्टेंट को चेंज करना सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप इमेजेस हेडलाइन व सब हेडलाइन को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार आप यहाँ पर अपने कॉन्टेंट को ऐड कर सकते हैं और कॉन्टेंट को रिप्लेस कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर आना है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ पहले एंड इसको मैं ऑफ कर देता हूँ मान लो अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर टेस्टोमोनियल्स को ऐड करना है कॉन्टेक्ट लिस्ट को आपको यहाँ पर अप्रेड करना है एफ्यूज़ को आपको अपक्रेड करना है और फुटर को आपको यहाँ पर चेंज करना है सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं ओनली आपको यहाँ पर आना है इनके ऊपर क्लिक करना और अपनी मर्जी के अनुसार आप यहाँ पर अपना कॉन्टेंट चेंज कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर अपनी कंप्लीट वेबसाइट ऐड बना लें जैसे आप यहाँ पर वेबसाइट को क्रिएट कर लें अपनी वेबसाइट के अंदर एफअर्ट लिंक को ऐड कर लें उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिश का तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना आपकी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार से हमारी वेबसाइट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है और वेबसाइट को हमने पब्लिश भी कर दिया अब मैं यहाँ पर आपको वेबसाइट को ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरी वेबसाइट यहाँ पर मेरी ऑडियंस को कैसे दिखाई देगी तो कुछ इस प्रकार से मेरी वेबसाइट मेरी ऑडियंस को दिखाई देने वाली है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उसको मेरी पूरी वेबसाइट यहाँ पर दिखाई देगी तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने अपनी कंप्लीट वेबसाइट को बना लिया है एंड इसके अंदर मैंने अपने एफर्ट लिंक्स को भी ऐड कर दिए अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक करेगी या नहीं करेगी तो उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ओके okay, तो पहले मैं यहाँ पर इसको बैक कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू पेज दिखाई देगा अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कस्टम डोमेन को ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर इसके मैटा डाटा को चेंज करना चाहते हैं स्क्रिप्ट वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लेना है अब मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट की थोड़ी बहुत और डिटेल दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक करेगी या नहीं करेगी तो यहाँ पर आपको सारा डाटा दिखाई दे रहा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ हुई है और क्या क्या चीज़ नहीं हुई है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप वेबसाइट यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली बनाई गई है इसकी स्पीड को यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किया गया है इसके अंदर एनालिटिक्स को भी ऐड किया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर यह ट्रैक कर सकते हैं कितनी विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आए थे जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी तक हमारी वेबसाइट के ऊपर एक विजिटर आया तो इस प्रकार से यहाँ पर इसने एनलाइटिको भी ऐड कर दिया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर एस सर्टिफिकेट को भी ऐड किया गया है कॉल टू एक्शन भी ऐड किया गया है एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी वेबसाइट का यहाँ पर साइट मैप भी जनरेट कर दिया गया है एंड यहाँ पर उसके टाइटल्स की वर्ट्स मेटा डाटा को भी यहाँ पर अच्छे से ऐड कर दी गई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी वेबसाइट यहाँ पर सर्च इंजन के ऊपर भी रैंक करेगी बीस यहाँ पर हमें सर्च इंजन के माध्यम से भी ट्राफिक मिलेगा तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर हंड्रेड गूगल बिंग व अन्य सर्च इंजिनस के ऊपर रैंक करेगी और वहाँ से भी आपको ट्राफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के अनुसार वेबसाइट क्रिएट करना है और वेबसाइट को आपको पब्लिश कर देना है और गूगल के माध्यम से आपको यहाँ पर ट्रैफिक ड्राइव कर लेना है पर गूगल के माध्यम से ट्रैफिक ड्राइव करने में आपको यहाँ पर कम से कम 60 से लेकर 70 दिन का टाइम देना पड़ेगा तभी आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करेगी एंड वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा तब तक हम यहाँ पर क्या करें कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है उस केस में आपको यहाँ पर स्टेप नंबर थ्री को फॉलो करना है स्टेप नंबर थ्री में हम यहाँ पर क्या करेंगे हम अपनी वेबसाइट को जितना हो सके उतने सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर प्रमोट करेंगे जितना हो सके उतनी बड़ी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को पिंट्रस्ट के ऊपर कोरा के ऊपर लिंकजिन के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जितने भी आपको रेपोटेट साइट का नाम पता है सभी के ऊपर आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है जैसे कि पिंट्रस्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट के अनुसार एक पेज क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने वेबसाइट के अनुसार कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और कंटेंट के अंदर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट के अनुसार एक पेज क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के अनुसार रील्स व फोटोज शेयर कर सकते हैं कॉल टू एक्शन के अंदर आप वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं मतलब बायो के अंदर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं एंड वहाँ से भी आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं सेम उसी प्रकार से आप फेसबुक के ऊपर पेज क्रिएट कर सकते हैं एंड वहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर आप अपनी वेबसाइट के लिए चैनल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं मिस आपको यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स मिल जाते हैं जिनका यूज़ कर कर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं और सभी रिसोर्सेज के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है और सभी की मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है अगर आपको सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे वर्क करना है अगर आपको उसको समझना है तो सिंपली आपको हमारे चैनल के ऊपर जाना है प्लेलिस्ट को चेक कर लेना आपको यहाँ पर फ्री ट्रैफिक फॉर एफर्ट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी वेबसाइट्स के ऊपर कैसे वर्क करना है सभी को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया सिंपली आपको हमारी प्लेलिस्ट को देख लेना है और इसके माध्यम से आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर लेना है और वेबसाइट के ऊपर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त कर लेना है आई होप आपको आज का मेथड समझ होगा कैसे आपको इसको अप्लाई करना है वह भी आपको समझना होगा अगर आपको आज का मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें एंड कम से कम इस वीडियो को पढ़ने और ताकि इसी टाइप का ऑसम कंटेंट हम शेयर कर पाएँ